Today we are starting compound interest class 9th. Compound interest क्या होता है इसके बारे में आज आपको बताया जाएगा. सबसे पहले आते हैं हम लोग इंटरेस्ट पे. इंटरेस्ट क्या चीज़ होती है, इंटरेस्ट क्या चीज़ होती है, इस चीज़ को आपको बताएंगे. इंटरेस्ट इट इज़ आ additional money beside of original paid by the borrower to the money lender में क्या क्या हो सकते हैं, बैंक हो सकता है, फाइनेंशियल एजेंसी हो सकती हैं, इंडिविजुअल, ठीक है, तो इंडिविजुअल वैल्यूज हो सकती हैं. इन द lieu ऑफ द मनी यूज्ड बाई हिम, अब जो व्यक्ति कहीं पैसा जमा करता है या कहीं पैसा लगाता है, सबसे पहले पैसा लगाने का काम होता है बैंक में. जब पैसा हम बैंक में जमा करते हैं तो जो पैसा हम जमा करते हैं वो पैसा हमारा इंटरेस्ट के साथ हमें मिलता है, ठीक है. तो जब हम इंटरेस्ट के साथ पैसा लेते हैं तो इंटरेस्ट के साथ पैसा मिलने पर जो एक्स्ट्रा मनी मिलती है, जैसे मान लीजिए हमने 100 रुपये एक साल के लिए किसी बैंक में हमने जमा कर दिए और उस पर हमें 10 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है, तो जो ये 10 रुपये है ये हमारा इंटरेस्ट कहलाता है. इसमें जो जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उसमें सबसे पहले आता है प्रिंसिपल. प्रिंसिपल में क्या होता है, प्रिंसिपल इज़ द मनी बारोड इज कॉल्ड प्रिंसिपल लेंट, ठीक है. जो मनी, जो पैसा लगाया जाता है या बारो किया जाता है वो प्रिंसिपल कहलाता है. अमाउंट, सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज कॉल्ड अमाउंट. प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ दिया जाए तो हमारे पास अमाउंट निकल आता है. ये अमाउंट वो अमाउंट होता है जो कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के साथ ऐड करके दिया जाता है. अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. रेट, रेट क्या चीज़ होती है, रेट इज़ द इंटरेस्ट पेड ऑन 100 फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड. टाइम, इट इज़ टाइम फॉर विच द मनी इज़ बारोड. जितने समय के लिए उस मनी को बारो किया गया है उसे हम टाइम बोलते हैं. फिर आता है सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट क्या है, इट इज़ द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड टू ऑन द ओरिजिनल मनी फॉर एनी गिवन टाइम एंड रेट. इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आप लोग ने पढ़ा है छोटे क्लास में भी, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. फिर इसके बाद आता है कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर एनी अदर फिक्स्ड पीरियड इट इज इफ द इंटरेस्ट अक्यूर्ड इज नॉट पेड टू द मनी लेंडर बट इट इज एडेड टू द प्रिंसिपल. It is added to the principal, then this amount becomes the principal for the next year and so on. This process is repeated until the amount for whole time is found. Clear? The difference of final amount and original amount, ओरिजिनल प्रिंसिपल इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट. अब इसके ऊपर बेस हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं. सबसे पहले आता है एक क्वेश्चन, इसमें हमें क्या निकालना है, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 15,000 फॉर 2 ईयर एट द 8% पर एनम. दिस इज द रेट. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर, पहले साल का जो प्रिंसिपल है वो हमारा है 15,000. इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट
ईयर इंटरेस्ट हमने निकाल लिया पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ पर जो ईयर लिया जाएगा वो एक एक साल का लिया जाता है। जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो हर साल हमारा एक एक साल का ईयर लेते हैं और वो हमारा इंटरेस्ट निकलता है। दिस इज़ द इंटरेस्ट 1200। अमाउंट आफ्टर वन ईयर, एक साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? एक साल के बाद अमाउंट हो जाएगा 15000 प्लस 1200। इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा 15000 प्लस 1200 कम्स 16200 आ जाएगा। और ये प्रिंसिपल हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए। अभी बताया गया था कि जो भी प्रिंसिपल होता है, जो भी प्रिंसिपल होता है एक साल के बाद अमाउंट में जुड़ने के बाद नेक्स्ट ईयर का वो प्रिंसिपल हो जाता है। तो अब इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर जब निकाला जाएगा तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16200 इंटू 8 इंटू 1/100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1296 आएगा। अब ये हमारा फाइनल दो साल के बाद इंटरेस्ट जोड़ जोड़ के आ रहा है वो ये हो जाएगा। तो अमाउंट आफ्टर टू ईयर, दो साल के बाद जो अमाउंट आया है वो इन दोनों को जोड़ने के बाद आया है। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट दो साल का क्या हो जाएगा? ये 17496 यानी 17496 में से ये 15000 जो हमने जमा किया था इसको हम माइनस कर देंगे। ये जो हमने जमा किया था इसको माइनस कर दिया जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2496। यहाँ तक आप लोग को समझ में आएगा। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू डू द एक्सरसाइज। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, सेकेंड क्वेश्चन आपका आ गया है कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द सी आई एंड एस आई ऑन 12000 एट 9% रेट 9% पर एनम इन टू ईयर। तो जब हम लोग एस आई निकालते हैं तो सिंपल दो साल ले लेते हैं और रेट और जो अमाउंट है जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पर रख के हमारा आंसर आ गया 2160। फार्मूला वही सिंपल वाला लगेगा, एस आई इज़ इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। लेकिन जब सी आई निकालते हैं तो सी आई के लिए आप लोग को पता है एक एक साल की वैल्यू लेते हैं। प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर इक्वल टू 12000, जब इंटरेस्ट निकालेंगे फर्स्ट ईयर का तो 12000 9 × 9 × 1/100 मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1080 इसका आंसर आ जाएगा। फिर ए निकाल लेंगे, पी प्लस एस आई दोनों को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 13080। अब इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? जो हमारा फर्स्ट ईयर का अमाउंट आया है वही सेकेंड ईयर का हमारा प्रिंसिपल होगा। इसको रखेंगे तो हमारे पास दिस वैल्यू कम्स। अब जो ये वैल्यू आई है सी आई फॉर टू ईयर 1080 प्लस 1177.20, इनको ऐड करने के बाद ये जो आंसर आएगा ये हमारे पास सी आई आ गया। तो